अलवर राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में संभाग स्तरीय सरकारी कार्यालय पशुओं के बाड़े में चल रहा है, जहां गाय, भैंस, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली और गधे जैसे कई जानवर डेरा डाल लेते हैं। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सैकड़ों फाइलें जो की कमी के चलते शौचालय के पास में पड़ी हुई है, जो बारिश से खराब हो गई है। श्रमिकों को निर्धारित वेतन दिलाने, सरकारी और गैर सरकारी विभागों और साथ ही साथ औद्योगिक संस्थाओं पर नजर रखने के साथ सरकार को हर साल 300 करोड़ का राजस्व देने वाले संभागीय श्रम कार्यालय का कोई अपना भवन नहीं है। अधिकृत रूप से यहां कोई बोलने वाला भी नहीं है। अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दर्जन से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। ईटीवी संवाददाता राजीव गौड़ ने इस श्रम कार्यालय का जब जायजा लिया तो क्या हकीकत सामने आई, देखिए। है जोधपुर का श्रम आयुक्त कार्यालय, पूरे जोधपुर संभाग के जो श्रम संबंधी जितने भी कार्य हो यहाँ होते हैं। मगर आप देख सकते हैं कि सामने गायों का बाड़ा, जहाँ पर गायों के अलावा आपको मुर्गे भी दिखाई देंगे। ये एक सरकारी जो संभाग स्तर का कार्यालय है, वहाँ पर जब इस तरह की हालत है, आप इधर देख सकते हैं कि ये जो गैलरी है, यहाँ से किस तरह से गंदगी और किस तरह की बदबू के बीच में ये विभाग कार्य कर रहा है। और सबसे ताजुब की बात तो यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार की पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं है, और जब कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्थाओं के बीच सड़ान देखता है। अभी अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर अंदर क्या हाल है। पहले बात करेंगे कि यहाँ जब राजीव गांधी का सपना 21वीं सदी में पूरा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यह श्रम विभाग का वो कार्यालय है जहां पर फाइलों की आप दशा देखिए, रखी हुई तो पूरी तरह से व्यवस्थित है, मगर जब कंप्यूटर का जमाना है और उस जमाने के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर ये कंप्यूटर में होती तो ठीक रहता, क्योंकि खुद का भवन नहीं है, अलमारी नहीं है। और जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं दिख रही है, ये अव्यवस्थाओं की दास्तान खुद कैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि कर्मचारी कुछ बोल नहीं सकते, अधिकारी सीट पर है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में इसका जवाब देने वाला भी कोई नहीं है। आपको करीने से दिखाते हैं कि कितनी पुरानी फाइलें हैं, यदि कोई बाढ़ आ जाए, कोई बारिश आ जाए, तो ये इनकी इस तरह की हालत होगी कि सरकार के पास इसका रिकॉर्ड तक नहीं रहेगा। ये वही विभाग है जो सरकार को एक साल में 300 करोड़ की आय देता है, मगर इसकी परवाह करने वाला फिलहाल कोई नहीं है। अभी यहाँ जाकर के देखते हैं कि और यहाँ पर किस किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं। देखिए, यहाँ बिल्लियां सो रही हैं। आमतौर पे सरकारी कार्यालयों के अंदर चूहे हुआ करते हैं, मगर यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्लियों का जो है वो साम्राज्य है। अभी आपको और कुछ बताते हैं, आप ये देख सकते हैं ये अव्यवस्थाओं का आलम है। और उसके अलावा कुछ फाइलें जो है, जिस जागरूक नागरिक ने हमें फोन करके बताया कि वो फाइलें कुछ यहाँ पर बाथरूम के अंदर फाइलें रखी हुई है, आप देख सकते हैं ये अब तक का सबसे चौंकाने वाला सच। आप देखिए, अंदर जहां पर बाथरूम है वहीं पर फाइलें यहां पर है, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है, खुद का भवन नहीं है, संसाधन होने के बावजूद इस तरह की जो व्यवस्थाएं और व्यवस्था सामने आ रही है, कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। आगे जाकर के आप देख सकते हैं ये बाथरूम के हालात है, भयंकर सड़ान मारता बाथरूम, अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं हैं। और आप देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे ये वो फाइलों का, आप देखिए किस तरह की फाइलें, कोई स्थिति खराब हो रही है। आप देख सकते हैं कि दूर तक ये फाइलें कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, मगर सभी के सभी इस कचरे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, इस तरह के हालात बद से बदतर होते जाएंगे। कैमरामैन सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज़ जोधपुर।